इधर टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने ट्वीट कर कहा है कि सांसदों के सभी संसदीय कार्य सचिव सहायक इंटर्न्स की एक बड़ी टीम करती है। माननीय अश्विनी वैष्णव जी, कृपया सभी सांसदों की लोकेशन और लॉगिन डिटेल जारी करें। कृपया स्टाफ को लॉगिन करने की दी गई ट्रेनिंग से जुड़ी सूचनाएं भी जारी करें। और हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए। प्रशांत, अब से कुछ देर पहले जो आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का ट्वीट आया है, वो एक तरह से निशिकांत दुबे के आरोपों की पुष्टि कर रहा है कि जो सवाल लोकसभा में पूछे गए उन्हीं सवालों को लेकर के एक कारोबारी जो है वो राजीव चंद्रशेखर से भी मिले, तो ये दोनों बातें एक तरह से मैच कर रही हैं और ये जो निशिकांत दुबे के आरोप है उनकी पुष्टि कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, राजीव चंद्रशेखर ने जो ट्वीट किया है उसमें बाजाबता 16 मार्च 2022 को जो एक सवाल पूछा गया था प्रतिबंधित मोबाइल ऐप के बारे में, उसका जिक्र तक किया है और उसमें जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, राजीव चंद्रशेखर ने साफ साफ लिखा है कि जब वो कारोबारी उनसे मिले थे तो उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था उसी तरह की भाषा संसद में पूछे गए सवाल की भी है। तो निशिकांत दुबे तो यही आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कल भी अपने आरोपों में कहा था बाकी आरोपों के साथ कि एक बड़ा आरोप ये है कि महुआ मोहित्रा ने जो सांसदों का जो पोर्टल होता है उसके लिए जो यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाता है वो एक तरह से आउटसोर्स कर दिया था इसी कंपनी को, और ताकि वही कंपनी अपने हिसाब से सवाल पूछ सके। तो आज जो चिट्ठी लिखी है निशिकांत दुबे ने उसमें साफ साफ कहा है कि जांच इस बात की जानी चाहिए कि महुआ मोहित्रा का जो पोर्टल है उससे जब जब भी लॉगिन हुआ है वो किस आईपी एड्रेस से हुआ है, क्या ये वही जिस आईपी एड्रेस से हुआ है वहाँ महुआ मोहित्रा एक तरह से प्रेजेंट थी कि नहीं थी। तो इस तरह की काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसलिए ये आसानी से पता चल जाता है अखिलेश कि जो लॉगिन किया गया है किसी भी पोर्टल पर वो किस आईपी एड्रेस से किया गया है, क्योंकि निशिकांत दुबे का कहना है कि जो सांसदों का पोर्टल होता है लोकसभा वेबसाइट पे अलग से जिस पर सिर्फ सांसद ही लॉगिन कर सकते हैं, उस पर कुछ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन भी होते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी एक तरह का प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और इसलिए निशिकांत दुबे ने कहा है कि ये मांग की है अश्विनी वैष्णव से कि इस पूरे मामले की जाँच की जाए, और अब जबकि राजीव चंद्रशेखर ने ये ट्वीट खुलेआम एक तरह से सार्वजनिक ट्वीट किया है तो ये काफ़ी हद तक अब निशिकांत दुबे का जो आरोप है उसमें अब दम भी कई लोगों को लगता है कि इसमें काफी दम है इन आरोपों में।